फ्रेंड नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू टमाटर और प्याज की सब्जी, जो मतलब चटपट बन, घर में कुछ सब्जी ना हो तो आलू टमाटर प्याज मिक्स करके आप चटपट सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सकते हैं, तेल गर्म हो चुका है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा ये जीरा डाल देते हैं, उसके बाद ये हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। पहले प्याज तो थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा भूनेंगे। जब थोड़ा सा भुना दे उसके बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। देख सकते हैं प्याज थोड़ा सा भुन चुका है, ज़्यादा नहीं भुनना है, कुछ थोड़ा ही भुनना है, भुन चुका है। उसमें हम ऐड करेंगे आलू और ये टमाटर, इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। उसके बाद इसे ढक करके एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। भून चुका है, अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये प्याज अच्छी तरह से प्याज और टमाटर इसमें जल जाए। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, इस तरह से चला लेना है। देख सकते हैं अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें हम मसाला ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना है। देख सकते कुछ तरह से ये जो टमाटर है ये पक चुका है, इसको इसी तरह से इसमें इसको एक मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। एकदम अच्छी तरह से इसको भूनिएगा, मसाला अच्छी तरह से पकना चाहिए। तो देख सकते हैं सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आलू प्याज और टमाटर की सब्जी चटपट बनने वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ चुका है, बहुत ही टेस्टी बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा।